पिछले 1.5 साल में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का अंत कब होगा, क्योंकि रूस पर हमले अचानक से तेज हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग गिरना बड़ा कारण है। हम आपको ये जानकारी देंगे, लेकिन विस्फोटक खबर यह भी है कि युद्ध में अब अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। आप कहेंगे इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे एक नहीं 5 ठोस सबूत हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। सबूत नंबर 1, ध्यान से देखिएगा जो फैक्ट्स आपके सामने हैं। पहला सबूत क्या है? यूक्रेन पहुंच चुके हैं एब्राम टैंक्स। यह अमेरिका का लीडिंग टैंक है जो कि कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ महीने पहले पोलैंड भी पहुंच चुका था। सबूत नंबर 2, F-16 फाइटर जेट देने का ऐलान किया है, जिसकी ट्रेनिंग कनाडा और बेल्जियम देने वाले हैं। सबूत नंबर 3, लॉन्ग रेंज आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल लेके जाता है, वो अगले हफ्ते मिलेगा और इसमें भी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर क्लस्टर एमिनेशंस लगाए जाएंगे और घातक हो जाएंगे। सबूत नंबर 4, क्रीमिया अटैक के लिए इंटेलिजेंस इनपुट। हम सब जानते हैं जब भी क्रीमिया पर अटैक होता है ब्लैक सी में अमेरिका और ब्रिटेन के ड्रोन दिखाई देते हैं। सबूत नंबर 5, रूस से युद्ध लड़ रही अमेरिकी मर्सनरीज की फौज। कई अमेरिकी मर्सनरीज हैं, जिसमें से कई एक्स अमेरिकी मरीन्स भी हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट एब्राम्स टैंक और ATACMS की बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या है यह मामला, क्योंकि एब्राम टैंक्स और ATACMS की अगर बात की जाए तो इसको गेम चेंजर वेपन कहा जा रहा है। दुनिया के 5 सबसे घातक युद्धक टैंकों में शुमार अमेरिका का M1 अब्राम्स टैंक, इसकी पहली खेप यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसकी पुष्टि खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने की। Бачимо вже дуже чітку зацікавлені світу працювати із нами заради нової оборонної сили не лише України, але й наших партнерів, нашого світу загалом. Світу, який заснований на правилах та не терпітиме агресії терору, які Росія намагається зробити нормою. 120 मिलीमीटर मेन गन, 0.50 कैलिबर और 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन से लैस ऐसे 31 अब्राम्स टैंक अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले हैं। यूक्रेन जल्द ही इनकी तैनाती फ्रंट लाइन पर करेगा, तैयारी जोरों पर है। ज़ेलेंस्की ने इस संबंध में सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। नेटो देशों में यूक्रेनी सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है। माना जा रहा है कि ये रूस के T-90 टैंक का युद्ध में सामना करेगा। मतलब साफ है कि अमेरिका इसी बहाने जंग में सीधे तौर पर उतर चुका है, और ये इस बात का इकलौता सबूत भी नहीं है। ये है दूसरा सबूत, काउंटर ऑफेंसिव 2.0 से पहले यूक्रेन को अमेरिका से टैक्टिकल मिसाइल भी मिल सकती है। यूक्रेन को पहले ATACMS टैक्टिकल मिसाइल का छोटा बैच मिल सकता है। अमेरिकी ATACMS 300 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। क्लस्टर वॉरहेड से लैस है, मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जाता है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से ATACMS टैक्टिकल मिसाइल देने का वादा किया है, हालांकि इसकी डिलीवरी की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं किया गया है।